ओके, हमको सॉल्व करना है कि एक कंटिन्यूस फंक्शन एफ एक्स है, डिफाइंड है आर टू आर। इसका मतलब ये हो गया कि उसका जो डोमेन है वो भी आर है और जो कोडोमेन है वो भी आर है। इज डिफाइंड सच दैट इट सेटिस्फाई द रिलेशन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री एक्स वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस प्लस दिस फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, देन हमें बताना है फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन है, या फंक्शन जो है वो इनटू फंक्शन है, या फंक्शन जो है वो वन वन है, और फंक्शन जो है वो इनवर्टिबल है। ऑड फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये प्रूव कर दें कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। और ऑड फंक्शन डिफाइन होने के लिए जो डोमेन ऑफ एफ एक्स इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, तो ये तो है यहाँ पर। तो अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो फंक्शन जो है वो ऑड हो जाएगा। इनटू फंक्शन होने के लिए क्या हो गया, इनटू फंक्शन होने के लिए कि भाई जो रेंज ऑफ फंक्शन है वो अगर बराबर नहीं है कोडोमेन के, ठीक है, तो वो इनटू फंक्शन हो जाएगा। इतना काफी है। वन वन फंक्शन होने के लिए एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएंगे वो डिफरेंट होने चाहिए, जहां पर एक्स वन और एक्स टू जो है वो भी बराबर नहीं। इनवर्टिबल होने के लिए अगर फंक्शन वन वन है एज वेल एज ऑन टू है तो फंक्शन जो है वो इनवर्टिबल होगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो हमको जो रिलेशन गिवन है, इस रिलेशन में हमें गिवन है कि एक्स और वाई जो है वो तो रियल है, तो हम कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं। तो हम क्या ट्राई करते हैं, पहले तो हम एक्स को हमने एक्स ही रहने दिया और वाई को अगर हमने जीरो रख दिया इसमें, इसको हम बोल रहे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा, एक्स को एक्स रहने दिया तो एफ एक्स, और वाई को जीरो रख दिया, वाई जहां जहां है वहां पे जीरो पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस जीरो। फिर ये थ्री ऑफ एक्स इंटू जीरो इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ टू इंटू जीरो माइनस ऑफ एक्स प्लस टू इंटू जीरो स्क्वायर, दैट इज जीरो। तो यहाँ से क्या आ गया, एफ एक्स ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, और यहाँ से क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ ये तो जीरो हो गया माइनस एफ एक्स, सो ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, और यहाँ से एफ एक्स प्लस एफ एक्स हो गया ट्वाइस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, टू से टू को कैंसिल कर दिया, तो यहां से आ गया आपके पास में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस। अब यहां से तो हम बोल सकते हैं फंक्शन जो है वो तो कैसा आ गया, इवन फंक्शन आ गया। इवन फंक्शन आ गया मतलब कि ऑड फंक्शन नहीं है। अच्छा, अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, तो अगर मैं इसमें एक्स की जगह पर सपोज करो टू रखूंगा तो एफ ऑफ टू इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस टू, मतलब कि एक्स की दो वैल्यू के लिए, एक्स की दो अलग अलग वैल्यू के लिए आउटपुट क्या आ गया, सेम आ गया। मतलब कि ये कैसा फंक्शन हो गया, मैनी वन हो गया। मैनी वन मतलब कि नॉट वन वन, हम ऐसे बोल सकते हैं नॉट वन वन। ठीक है, तो ऑड फंक्शन भी नहीं है, वन वन भी नहीं है। अगर वन वन नहीं है तो इनवर्टिबल भी नहीं है, क्योंकि इनवर्टिबल होने के लिए वन वन ऑन टू दोनों होना जरूरी है। ठीक है, यहां पर हमने ऑन टू इनटू पर अभी कोई कमेंट नहीं किया है, लेकिन इतने से हम ये बोल सकते हैं कि फंक्शन ऑड फंक्शन नहीं है, ये गलत हो गया। फंक्शन जो है वन वन नहीं है, वन वन नहीं है तो इनवर्टिबल भी नहीं है। तो केवल और केवल एक ही चॉइस बच गई, देन एफ एक्स इज इन टू फंक्शन। ये तो कब है, मैं यहां से बोल ही सकते भाई चार ऑप्शन है और सिंगल करेक्ट टाइप है, फिर एफ एक्स इज इन टू फंक्शन, ये तो एक तरीका हो गया। या फिर एक और मेथड ये हो सकता था, हम ऐसे सोच सकते थे इस तरह के प्रॉब्लम में जो गिवन है हमको कि भाई एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री एक्स वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ टू वाई माइनस एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्राई करते हैं एफ एक्स की डेफिनेशन मिल जाए हमको। एफ एक्स की डेफिनेशन मिल जाए तो हम यहाँ पर अगर x को 0 पुट कर दें और y को रख दें x बाई टू, वाई को x बाई टू रखने से क्या फायदा होगा, यहाँ पर जब हम y की जगह पर x बाई टू रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x, और x को आपने 0 कर दिया। ठीक है, तो देखो x को 0 रखा तो f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस ट्वाइस ऑफ x बाई टू प्लस थ्री टाइम्स ऑफ 0 इंटू x बाई टू, लिख के देख लेते हैं एक बार। ट्वाइस ऑफ f ऑफ टू इंटू एक्स बाई टू माइनस जीरो प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर बाई फोर, यहाँ पर वाई की जगह पर
एक्स बाई टू रखा है तो एक्स बाई टू का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नाउ क्या आ गया हमारे पास में, ये तो एफ ऑफ जीरो है प्लस एफ ऑफ टू से टू कैंसिल हुआ तो एफ एक्स आ गया, ये भी जीरो हो गया, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ, ये टू से टू कैंसिल हुआ तो ये आ गया आपके पास में ट्वाइस ऑफ एफ एक्स प्लस ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास में टू से फोर को कैंसिल किया तो एक्स स्क्वायर बाई टू। अब यहां से अगर हम एफ एक्स लिखें तो देखो ये ट्वाइस ऑफ एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, इसको यहाँ शिफ्ट किया और ये एफ ऑफ जीरो को शिफ्ट कर दिया उस तरफ, तो ये आ गया आपके पास में एफ ऑफ एक्स विद अ माइनस साइन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एफ ऑफ जीरो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ गया आपके पास में माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो क्या है, एफ ऑफ जीरो या तो हम इवेल्युएट कर लें या फिर एफ ऑफ जीरो कुछ भी होगा तो फंक्शन की वैल्यू एट जीरो, ये तो कुछ कांस्टेंट होगा। यहां से हम बोल सकते हैं भाई एफ एक्स की डेफिनेशन हमको मिल गई कुछ इस तरह से, यहां से हम बोल सकते हैं कि भाई एफ एक्स जो है वो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सम कांस्टेंट है, कांस्टेंट के बोल दिया हमने। अगर हमने बोला कि भाई के का वैल्यू जीरो है इन केस, तो यहां से जो हमें ग्राफ मिलेगा एफ एक्स का वो कुछ इस तरह से होगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई टू का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। अब के का वैल्यू अगर हमने सपोज करो वन मान लिया, के का वैल्यू क्या मान लिया हमने सपोज करो वन, तो ये जो ग्राफ है ये वन यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा जब के का वैल्यू वन है, जब के का वैल्यू जीरो है, या के का वैल्यू अगर कुछ नेगेटिव होगा तो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, कुछ भी होगा। तो यहाँ से हम ये बात तो बोल सकते हैं कि ये जो ग्राफ है, हम बोल सकते हैं कि ये जो ग्राफ है उसमें जो रेंज आएगा फंक्शन का वो कभी भी आर नहीं होगा, ठीक है ना। आर टू आर में डिफाइन था, कोडोमेन जो है वो आर था, रेंज कुछ भी होगा दैट इज सबसेट ऑफ कोडोमेन होगा, इसका मतलब कि जो फंक्शन है वो क्या हो गया इनटू, क्यों, क्योंकि कभी भी रेंज जो है वो इक्वल टू कोडोमेन पॉसिबल नहीं है। सो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, मतलब कि फंक्शन क्या आ गया इनटू फंक्शन आ गया। और एक लाइन ड्रॉ करें अगर हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वो इस ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर रही है, मतलब कि दो एक्स के करस्पॉन्डिंग सेम वैल्यू मिल रही है, मतलब कि फंक्शन जो है वो कैसा है मैनी वन है, फंक्शन जो है वो कैसा है इनटू है, और फंक्शन जो है वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, मतलब कि फंक्शन जो है वो इवन है, इवन है, मैनी वन है, इनटू है, मैनी वन हो गया मतलब कि नॉट इन्वर्टेबल, क्लियर है बात। तो फंक्शन हम यहां से बोल सकते हैं कैसा आ गया इनटू फंक्शन आ गया, तो हमारे पास में जो ऑप्शन थे वहां से क्लियरली हमको दिखाई दे रहा है कि सही जो है वो क्या आ गया एफ एक्स इज इन टू फंक्शन, ऑन टू नहीं है इन टू है। आई होप दिस इज क्लियर।